एग्जाम्पल नंबर सिक्स, इज 2, 3, 5, 2 अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द 2, 3, 5, 2 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो अभी फिर से कि 2, 3, 5, 2, तो 2, 3, 5, 2 वो तो हमको परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, अगर उसका पता करना है तो हम जो हमारी प्रोसेस करते हैं वही करेंगे। 2, 3, 5, 2, 2 से इसको अगर काटेंगे तो क्या आएगा 1, 1, 7, 6, इसको अगेन 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 5, 8, 8, इसको अगेन 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 2, 9, 4, अगेन इसको 2 से काटेंगे तो कितना आता है 1, 4, 7, क्या आता है 1, 4, 7, अगेन 2 से नहीं 3 से जाएगा 7 और 1, 8, और 8 और 4, 12, हाँ तो ये तो 3 से कटेगा तो 3, 49, 7, 7, 7, 1। तो देखो यहाँ पे 7 की पैर बन रही है, 2 की 1 और 2 की 2 पैर बन रही है, लेकिन 3 की नहीं बन रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 की पैर नहीं बन रही है। और ये क्या बोल रहा है कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर है कि जो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तभी देखो यहाँ पे 2 की पैर है, 2 की पैर है, 7 की पैर है, लेकिन 3 की नहीं है। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर में? तो ये 3 की पैर बनाने के लिए 3 तो 1 तो है ही, दूसरा 3 मल्टीप्लाई करो, क्या करो, दूसरा 3 मल्टीप्लाई करो तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर से तो न्यू वैल्यू क्या आएगी 2, 3, 5, 2, उसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है 7, 0, 5, 6, क्या आ जाएगा आंसर 2, 3 जा 6, 2, 3 जा 6, 5, 3 जा 15, तो 5 यहाँ पे 1 ऊपर, फिर 3, 3 जा 9, 9 और 1 था तो 0 यहाँ पे आया, अगेन 1, तो 3, 2 जा 6 और ये 1 तो 7, तो 7, 0, 5, 6, क्या आंसर आया 7, 0, 5, 6। अब ये जो 7, 0, 5, 6 नंबर आया वो किसका स्क्वायर मीन्स ये किसका स्क्वायर है? तो अगेन ये यहाँ पे क्या था 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ये तो था ही था, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा ऐड किया ना मल्टीप्लाई, तो 3 क्रॉस 3 और 7 क्रॉस 7। तभी ये जो भी पैर है उसमें से सबको एक बार लिखो, तो 2 को एक बार लिखे, यहाँ पे भी 2 को एक बार लिखो, यहाँ पे 3 को एक बार लिखो और यहाँ पे 7 को, तो क्या आया आंसर 2, 4, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12 और 12, 7 जा कितना होता है 84। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 84 का, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 84 का। देखो ये क्वेश्चन फिर से मैं करवा देता हूँ, बाकी की दोनों की हम ओरल बात कर लेंगे। क्या किया था, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है बताना है। तो पहले क्या किया हमने, हमारी जो प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस हमने देखा कि ये किसी की पैर बनाता है, हाँ ये 2 की बनाता है, यहाँ पे भी 2, लेकिन 3 की नहीं बनाता। तो अगर एक भी पैर नहीं बन रही है ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर करना है तो क्या स्मॉलेस्ट नंबर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो हमको पता है ये सब तो पैर में है लेकिन 3 पैर में नहीं है, तो 3 को पैर में बनाने के लिए दूसरे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो दूसरे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 जा, ओके तो ये 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। अब ये न्यू नंबर क्या आया 7, 0, 5, 6, लेकिन हमको पता है ये पैर में ये सब में हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था, तो उससे हमने जो जो पैर बन रही थी उसको एक बार लिखा और मल्टीप्लाई किया तो 84 आंसर आया। तो ये जो आपका नया जो 7, 0, 5, 6 आता है वो 84 का स्क्वायर है, ओके। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 9, 0, 8, 4 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले ये स्क्वायर की बात आ रही है तो पहले तो जो हम प्रोसेस करते हैं वो तो करो ही करो। तो प्रोसेस करने के बाद ये आपका बनेगा 2 की पैर, 2 की पैर, 2 की पैर, लेकिन 3 की पैर नहीं बनती और 7 की बनती है। तो 3 की पैर नहीं बनती तो क्या करो आप, आपको 3 की पैर बन नहीं रही है लेकिन हमको पूछा क्या है, देखो कितने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए डिवाइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई पूछा था तो मल्टीप्लाई किया, अगर डिवाइड पूछा है तो 3 से डिवाइड कर दो ना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ 1 ही बचेगा, तो 1 देखो इसको 3 से हम डिवाइड करते हैं, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, और 1 तो पता है 1 को हम 1 × 1 भी लिख सकते हैं, तो ये 7 की पेयर बन गई, 1 की बन गई, 2 की, 2 की, 2 की, तो ऐसे हम लिख सकते हैं।
तो ये जो आपका नया जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगा आपका 3136। क्या आ जाएगा? 3136। उसमें 3136 में क्या था? तो 2 की पैर, तो यहाँ पे 2 की पैर लिखी। अगेन दूसरी 2 की पैर, तो दूसरी 2 की पैर लिखी। यहाँ पे अगेन 2 की पैर, तो 2 की पैर लिखी। ये 3 को हमने डिवाइड किया तो 3 की जगह पे क्या आएगा? 1। तो 1 को हम 1 क्रॉस 1 लिखेंगे, लेकिन 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 को डिवाइड करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, और यहाँ पे 7 क्रॉस 7, तो 7 क्रॉस 7। तो जो आपका आंसर आ जाता है वो कितना आता है? 3136। तो ये 3136। अब हमको ऐसा भी पूछा है कि ये जो 3136 जो आता है उसका वो किसका स्क्वायर है? तो ये दो बार है, तो एक बार लिखा। यहाँ पे भी दो बार, तो एक बार लिखा। यहाँ पे भी दो बार, तो एक बार लिखा। यहाँ पे भी दो बार, एक बार लिखा। इन सबका मल्टीप्लीकेशन, तो 5 6। ओके, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच डिवाइजेबल ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15। ओके, ये अपने हिसाब से ट्राई कर लेना।